माता पिता का रंग धारण नहीं कर सकते। ये धुंधकारी जैसे लोग माता पिता को नहीं मानते, माने ही माता पिता नहीं देवा, ऐसे लोग माता पिता का अनादर करते हैं। धुंधकारी माता पिता को पीटता है, पिटाई करके धन उठा ले गया, पात्र ले गया, भिक्षाओं को दिया। जब घर में धन नहीं रहा और पिटाई भी रोज करे तो बूढ़े पिता रोने लगे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, गच्छामि प्रतिष्ठामि कोमे दुखं व्यपोहये, मैं कहां जाऊं। आजकल वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे, गंगा किनारे वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे, बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता था और सुख पूर्वक रह रहे हैं। वृद्धाश्रम में थोड़ा धन जमा कर दिया, बोले यही बदन बदन, बड़ी समस्या। एक पिता ने चार पुत्रों को पाला और चार पुत्र मिलकर एक पिता को नहीं पाल पा रहा, कैसी विडंबना है। ये वैदिक संस्कार नहीं, विदेशी संस्कृति हमारे भारत वर्ष में जब आ गई है, नहीं तो आज 20 वर्ष पहले तक तक पुत्र माता पिता के चरण दाबते थे, बहुएं चरण दाबती थी सासों की, बिना चरण दाबे कोई सोता नहीं था, ये हर घर की बात थी। लेकिन अब ये 1% भले हो, 99% समाप्त हो गई, क्यों भागवत नहीं सुनते, भागवत पढ़ते नहीं, रामायण पढ़ते नहीं, भागवत सुनते नहीं, उसका आचरण करते नहीं। ये विदेशी फिल्मी बातें, चलचित्र की बात, विदेशी संस्कार आ गए और इसलिए संस्कारों का क्षरण पतन और परिवारों में बिखराव और शांति नष्ट हो रही है। समृद्धि तो बढ़ रही है लेकिन शांति नष्ट हो रही है, जो मानसिक शांति है वो नष्ट हो रही है। ये धुंधकारी जैसे लोगों के कारण, धुंधकारी ने पिता को बहुत मारा, पिता रो रहे हैं, को गच्छामि प्रतिष्ठामि कोमे दुःखं व्यपोहये, प्राणान् त्यजामि हा कष्टं हा दुःखं मम संस्थितम्, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कैसे रहूं, क्या प्राण त्याग दूं, प्राण त्यजाम, क्या मैं प्राण छोड़ दूं। रोते हुए अपने पिता को आचार्य गोकर्ण जी ने देखा तो अपने धर्म पिता को महाराज श्री गोकर्ण ने उपदेश किया। अब तो महाराज श्री गोकर्ण जी ने कहा, पिता क्यों रो रहे हो, असारः खलु संसारः दुःखरूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलति निशम्। ये संसार असार है, तो कुछ शून्य है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है, मोह में मनुष्य जल रहा है, स्नेहवान गलत निशम, मोह में लोग जल रहे हैं, मोह यहां कोई सुखी नहीं है। आचार्य गोकर्ण जी ने कहा यहां कोई सुखी नहीं, नहीं इंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीविनः, न इंद्र को सुख है यहाँ, न चक्रवर्ती राजा को सुख है। ये लौकिक सुख जो देखने में खुजली रोग की तरह, क्षण भर भर सुख देकर जीवन भर दुख देने वाले, इसलिए सुख में ही दुख है, जहां सुख है वहीं दुख, भोग में सुख है वहीं रोग है। नाना प्रकार के सुखों में दुख ही भरा हुआ है, सुखाय दुःखं प्रभवेषु संयते, सुख में ही दुख भरा हुआ है, इसलिए पिता साथ मत करो, कोई सुखी नहीं है, न इंद्र सुखी न चक्रवर्ती राजा सुखी है। हाँ सुखी तो है, बोले कौन सुखी है, बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य, विरक्तस्य सुखम, जो उदासीन है संसार से निर्लिप्त है, असंपर्क है, वो सुखी है।
जो पद्म पत्र बांधा जल में कमल भी भांति रहता है वो सुखी मुने ने कांत जी बिना मनशील है भगवान का भजन एकांत में करता है वो सुखी है भजन आनंदी सुखी है। जो संतोषी है सुखी है बिनु संतोष न काम माही काम अच्छा सुख सपने होना है। आत्मद्वयन ने पूछा पुत्र में इस मोह में संसार में अंधकूप में पड़ा हुआ मैं क्या करूं मुझे मार्गदर्शन कराओ। तो आचार्य गोकर्ण बोले हे धर्म पिता ये उपदेश सभी मानवों के लिए है। गोकर्ण का ये उपदेश समस्त मानवों के लिए देहे स्थि मांस रुधिरे आचार्य ने कहा देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमन्य जस्तम जाया सुता सुसदा ममता विमुंच पश्याम शम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य दादशिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह अस्थि मांस से बना है अस्थियां हैं मांस लिपटा हुआ है रुधिर भरा हुआ है शरीर में भीतर क्या भरा है अस्थियां हैं मांस रक्त है मलमूत्र है। इस शरीर में इतना मोह इस शरीर का मोह छोड़ देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमन्य तेजस्त्वम् हे मानव देह में अस्थि है मांस है रुधिर है इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो मोह छोड़ दो जाया सुता सदा ममतां विमुञ्च स्त्री पुत्र और परिवार इनकी ममता छोड़ दो देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमन्य तेजस्त्वम् जाया सुता सदा ममतां विमुञ्च स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ दो ये नहीं कहा स्त्री पुत्र छोड़ दो ममता मोह छोड़ दो दस जगह जगह अपनी ममता बंधी है और ममता में रात दिन बंधा हुआ है कहां कहां बंधी ममता गोस्वामी जी लिखते हैं जननी जनन बंधु सुता जननी जनन बंधु सुता जननी जननी बंधु सुतारा जननी जननी बंधु सुतारा तन धन नवन सुह परिवारा तन धन नवन सुह सबके ममता ताज बटोरी सबके ममता ताज बटोरी सबके ममता ताज बटोरी मम पद मन नहीं मम पद बाहुम नहीं बरडोरी पश्यामि शम शम जगदिदम् क्षण भंग निष्ठम् देखो देखो ये संसार क्षण भंगुर है क्षण में नाशवान है कब किसका प्राण शरीर को छोड़ पता नहीं सांसें सुनिश्चित हैं परमात्मा की ओर से जब सांसें पूर्ण हो जाती हैं तो जीवन समाप्त हो जाता क्षण भंगुर है इसलिए जब जब ये जीवन है भजन करो संसारिक पंचों में मत पड़ो सत्कर्म करो धर्म करो
ये धन धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर गर्व करता वह धूल में जाएगी। ये वैभव तुम्हारा इस जगत का कामना कुछ आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए भगवत भज, वचन कर्म और मरियते, मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, वचन कर्म और मरियते, सास बाव दश बदन आदि नृप बचे न काल बलि, हम करी करी धाम सवारी अंत चले उठ जीते, मन मन पड़ी है अवसर मिलते। सुत बनता जान स्वार भरत न करु ने सब ही ते, अंत तो ही तजेंगे पामर और तू न तजे अब ही ते, मन मन पड़ी है अवसर बीते। अब नाथन अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते, बुझे काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहुत बीते। अग्नि को घी से नहीं बुझाया जा सकता, संसार के सुख भोगते भोगते सुखों की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए भजन करो। धर्मम भजस्व सततम् त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधुषां जहि काम प्रश्नान्। अन्यास्य दोषं चिन्तन मासु मुक्त्वा सेवा तथा दशमो नितरारं। हम जानते हैं कि संसार नाशवान है, सभी जानते हैं कि शरीर भी नाशवान है, ये घर भी नाशवान है, छूट जाएगा संसार भी छूट जाएगा, ये सब सपना है, लेकिन इसे अपना मान मान कथा हो यज्ञ हो सत्संग हो प्रवचन हो घर नहीं कोई छोड़ना चाहता। मरत के जानने के बाद जो कोई माने वही सच्चा जान जान जान, और जानने के बाद भी उसी में लिपटा रह रहे तो घोर ज्ञान है। जानते समय संसार भी नाशवान है, घर घर भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, फिर भी सत्संग नहीं करते, कथा नहीं सुनते, धन को सत मान लिया, व्यापार को सत मान लिया, अपने कार्य को सत मान लिया, और भगवान वाणी चिर आज आचार्य ग्रहण करते हैं पिता ये संसार स्वप्नवत है, नश्वर है, क्षण क्षण दूर है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, 84 लक्ष योनियों में ये जीव भटका है, तब हरि कृपा से हृदय मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसको संसार के मिथ्या प्रपंचों में नष्ट मत करो, धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, प्रपंचों का त्याग करो, लोक धर्मों का त्याग करो, और संतों की सेवा सेवस्व साधु पुरुषान, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अभ्यगम्य, शिव का धर्म बड़ा गहन है योगियों की लगन में है, महत सेवा द्वार बाहु दुते तमत द्वार बाहु शिताम संग संगम, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती है, इसलिए संतों की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो, जही काम कृष्णाम काम वासनाओं का त्याग करो, अन्यास दोष गुण चिंतन मास। आज मनुष्य की प्रवृत्ति है दूसरे के गुण नहीं देखते, दूसरे के दोष देखते हैं, और अपने को बुद्धिमान कहते हैं, बड़े बड़े चतुर हैं, इनकी कमी पकड़ ली, हमने इनके दुर्गुण देख लिए, सद्गुण नहीं देखते, जो जैसा देखता है वैसा ही बन जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अवगुण देखते देखते वो महाअवगुणी हो जाता है, और गुण देखते देखते महागुणी हो जाता है, भय गति कीट भर गए,
एक कीला लखोरी का चिंतन करते करते स्वयं लखोरी हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्म ही भगवत, इसलिए सद्गुणों को देखो, सद्गुणों का चिंतन करो, दूसरे के दोष मत देखो। और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप है, पर निंदा सा नगरी कितनी सुंदर शिक्षा है। लेकिन फिर भी मनुष्य मानता नहीं, दूसरे की त्रुटियां देखेगा, दूसरे की निंदा करेगा और अपने को कहेगा हम लोग ज्ञानी हैं। ये छोड़ना, संत में ये नहीं होना चाहिए, भक्त में ये नहीं होना चाहिए, पर दोष दर्शन से बचो, पर निंदा से बचो। आचार्य गुरु कहते हैं, अन्यास दोष गुण चिंतन मांस मुखवा सेवा कथा ऋषि मुहु नितरां पिबम। संत सेवा हरि हरि और गाते रहो, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से, काम दुनियादारी से, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, एवं सुतोक्ति वशतोक्ति गृहं हम विहाय, या तो वनं स्थिर मतिगत खष्टि वर्षा, एवं सुतोक्ति वशतोक्ति गृहं हम विहाय, या तो वनं स्थिर मतिगत खष्टि वर्षा, युक्तो हरिरञ्जनं परिचर्य मासौ, श्री कृष्ण महामियतम दशमस्य पाठात। ऐसा उपदेश आचार्य गोकर्ण ने दिया है आत्मदेव को, सुतोक्ति वशतोक्ति, जब जब पुत्र ने धर्म पुत्र ने ऐसा उपदेश किया तो गृह विहाय आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, या तो वनम वन को गए स्थिर मतिगत खष्टि वर्षा, अब उनकी आयु इस समय 60 वर्ष की हो गई थी और उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई, स्थिर मति हो गई थी, प्रतिष्ठित ज्ञा हो गई थी। भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण महामियतम दशमस्य पाठात्, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ, दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है, दशम स्कंद का पाठ पढ़ते हुए श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय, पितृ परते तेन जननी ताडिता वृषम, पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हरिशीलतया च। जिस समय आत्मदेव वन को गए तो धुंधकारी नारी ने मां को बहुत पीटा और कहा, कवितम तिष्ठति ब्रूहि, धन कहां छिपाया है जल्दी बताओ, अगर तुमने धन नहीं बताया तो तुम्हारे मारे में जलती हुई आग भरेंगे, अंगार भरेंगे। अब धुंधली सृष्टि ये तो बड़ा दुष्ट है, अब धन तो है नहीं तो अंगार हमारे मारे में भरेगा। इति तद्वाचा संत्रासाद जनन्या पुत्र दुर्गतः कूपे पातौ कृतौ रात्रौ तेन सानिधनं गतः, मारी गर्जन धुंधली रात में कुआं में कूद पड़ और तेन सानिधनं गतः समाप्त हो गए। अकाल काल में मरी है तो प्रेत ने उन्हें प्राप्त,
महाराज गोकर्ण की यात्रा करने चले गए, तब धुंधली अपने घर में वो धुंधकारी अपने घर में पांच विषय ले आया। धुंधकारी रहे छठ पंच पढ़ने बदलता, पांच विषय घर में ही ले आया और पांचों का पालन पोषण करने के लिए चोरी करने लगा, लूट करने लगा। एक दिन वेश्याओं की मांग भी की आभूषण ले आया, तो चोरी करके बहुत धन आभूषण ले आया, सो रहा था। वेश्याओं ने सोचा ये तो हमें प्रिय है नहीं, क्योंकि वेश्याओं का पिता नारियों का विश्वास कभी विद्वान नहीं करते, क्योंकि जो पिता नारी है इनके मुख में तो बड़ी मिठास है पानी में, इनके हृदय छुरे की धार धार करने होते हैं। सुधो सुधा मायो बच्चा बच्चा में आसाम कामिना मशवर धनम हृदय में धारा धारा प्रेम गुना गुना ताम ताम। ऐसी कुलटा विषयों ने सोचा इसे मार करके इसका धन लेकर कहीं अन्यत्र चले। सुप्तावस्था में सैया पर उसे कस दिया रस्सियों से और उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और खींचने लगे लगी, रस्सी का फंदा कसने लगे लगी, लेकिन वो बड़ा बलवान था। पांच वेश्याएं रस्सी खींच रही लेकिन वो मर मर रहा, त्वरितम नमः रासः, बड़ा बलवान था। तब ये वेश्याएं गई जलते हुए अंगार लेने, तब तंगार समूहांश तन्मखे विचित्रिपुः, उसके मुख में जलते हुए अंगार भरे अग्निज्वाला दुखेन तेन सानिधनगतः। अब अग्नि ज्वाला से पीड़ित होकर के धुंधकारी समाप्त हो गया। अब वेश्याओं ने मारा है, बड़ा ही दुष्कर्मी रहा है, इसलिए घोर प्रेत प्रेमी को प्राप्त हुआ, ब्रह्म राक्षस हुआ, घोर प्रेत प्रेमी को प्राप्त हुआ। वायु का रूप हवा का रूप धारण करके घुमा करता था। अब इसे भूख बहुत लगती थी, प्यास बहुत लगती थी, न खा सकता है न पी सकता है। हवा के रूप में हा दैव हा हतोऽस्मि हा हतोऽस्मि हाहाकार करता हुआ घुमा करता है, अनेक वेश धारण करता है। अब महाराज श्री गोकर्ण जी ने सुना कि हमारी माँ भी प्रेत हो गई, हमारा भाई भी प्रेत हो गया, तो गया गया श्राद्ध करेंगे। पद्म पुराण में बड़ी सुंदर कथा है, एक गयास्त नाम का दैत्य था, उसने फल नदी के तट पर तपस्या की, भगवान गदाधर प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए गयास्त वरदान मांग लो। अहंकारी गयास्त बोला आप स्वयं हमसे वरदान मांग लें, भगवान मान मेरे स्थल पर हम हवन करना चाहते हैं। वह लेट गया, देवताओं ने हमने हवन बनाया, उसके वक्ष पर 1000 वर्ष हवन होता रहा, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। तब नारायण ने इसके वक्ष पर अपना चरण रखा, इसके प्राण कंठ में आ गए और ये घबराया और बोला भगवान मुझे वरदान दे दो। भगवान बोले मांग लो गया सर। गया उसने मांगा, महाराज ये तीर्थ हमारे नाम से तीर्थ हो जाए, गया धाम हो जाए। और ये हमारा चैकोस का जो शरीर है इस पर आप आचार इसी प्रकार रखा रहे प्रतीक के रूप में, और हमारे चैकोस के व्रत में गया धाम में जो अपने माता पिता पुरखों के पिंड पारे श्राद्ध करे पिंडदान करे उसके पुरखे वैकुंठ चले जाए। तब से जो गया जाते हैं अपने पितरों का प्रदान करते हैं उनके पूर्वज वैकुंठ जाते हैं। बोलिए गया धाम की। गोकर्ण ने भी गया श्राद्ध किया। अब जिस तीर्थ में जाएंगे तो वहां ये अपने पितरों का पिंडदान करें और धुंधकारी का विशेष रूप से करें। हर तीर्थ में पिंडदान होता है, बद्रीनाथ में होता है, जगन्नाथपुरी में होता है, पितरों का पिंडदान। तो जहां जिस तीर्थ में जाएं धुंधकारी का तर्पण पितर पिंडदान अवश्य करें। तो अब ये लौट करके अपने गांव आए, चुपचाप चाप कोई देख ले ले तो रात नहीं आए, और
आगरा में टूटे से घर में कई बरसात बुझाने के कारण का घर टूट गया था, गिर गया था। उसी टूटे घर में बैठे थे, सोच रहे थे गया ब्याह कराना है, कैसे व्यवस्था करें। उसी समय रात में ये दुधकारी प्रेत कई रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने से निकला। शकरन ने कहा, सकलधस्ती पुनश्चमयशो भवत, सकलकंद्रह सकलदग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी ये मेला बनकर सामने से निकला, कभी हाथी बनकर निकला, कभी ये महिष माने भैंसा बनकर निकला, कभी इंद्र बनकर निकला, कभी आग की ज्वाला बनकर अग्निया बेताल बनकर निकला, आग का गोला, और कभी ये मनुष्य के रूप में निकला। गोकर्ण जी ने देखा एक प्रेत है, इस रुद्र रौद्र रूप को प्राप्त हुआ है, रौद्र तो बोले तुम कौन हो? गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र है, वेद की माता है गायत्री। और एक बात है, जो गायत्री का जप करता है प्रेत उसके सामने नहीं आ सकता। आपको बताएं, हम बुंदेलखंड में भागवत कर रहे थे, तो एक हमारी शिष्या उस पर प्रेत छाया आया थी। बात 25 वर्ष पहले की, तो कई गद्दियों पर ले गए गए, उनके पति इंजीनियर थे, लेकिन वो ठीक नहीं। एक दिन वो जब आई मैंने तो एकदम बड़े लाल लाल बोले, हमें पहचाना? उनका कौन हो? तो मैं आपके शिष्य हूँ। कौन हो? बोले हम ब्रह्म राक्षस हैं, कन्नौज के रहने वाले पंडित विष्णुदत्त शास्त्री, उज्जैन में हमारे शास्त्रों ने जहर दे दिया था पंडितों ने, तो हम प्रेत हो गए। और एक फकीर ने तांत्रिक क्रिया के द्वारा इस नारी पर बैठा दिया। जब आपने गुरुमंत्र दिया था तब हम इसके शरीर में थे, अस्त आप हमारे गुरु जी हो। तुमने कहा गुरु जी मानते हो, हमारी आज्ञा मानोगे? बोले मानेंगे। तुमने कहा इसको छोड़ दो, तो बोले तो आप हमें अपने साथ साथ रखो। तुमने कहा हमारे साथ साथ क्या करोगे? बोले आपकी सेवा करेंगे, जो मंगाओगे वो लाएंगे, दुर्लभ वस्तु लाकर देंगे। हमने विचार किया, अज्ञाता में लिखा जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं अगले जन्म में भूत प्रेत होना पड़ता, इसलिए हमने कहा हमें क्षमा कर, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तो बोले हम आह्वान कर दिया गया कथा में, धुंधकारी वाले सात आठ वाले बांस में हमें भी आह्वान कर दिया गया, इतना तो कर सकते उनका ठीक ठीक कर सकते। तो कई वर्ष तक हमने आचार्यों द्वारा विष्णुदत्त शास्त्री प्रेत का आह्वान कराया। तो ये बात है, तो ये प्रेत अब मुक्त हो गया। तो ये भागवत कथा आते हैं, तो प्रेत के सामने निकला गायत्री मंत्र। हाँ, एक बात भूल गए बताना, उसने कहा महाराज हम आपके सामने प्रकट हो जाएं, तो हमने कहा भैया हमारे सामने प्रकट हो। बोले नहीं आप डरिए नहीं, आप तो गुरु जी हैं। तो हमने कहा अच्छा प्रकट हो, तो वो हम कमरे में थे, बरामदे में खड़ा हुआ, लगभग 60 वर्ष की आयु होगी, चंदुआ था, धोती पहने बड़ा मोटा जनेऊ, और मेरी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ, पीठ। तो हमने कहा पीठ क्यों किए? बोले हम आपके सामने मुख नहीं कर सकते, क्योंकि आप गायत्री का जप जप कर, ये बात बताना चाहता है, जो गायत्री का जप करता है उसके सामने कभी प्रेत नहीं आ सकता, इसलिए गायत्री का जप करो। गायत्री गायत्री जो शरीर की रक्षा करती है, वेद माता है, ऐसी गायत्री का जप। और देखो ये माइक से जो गायत्री बोली जाती है, और माइक से बोलकर हवन कराया जाता है, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बहुत ब्रह्मास्त्र है, इतना गोपनीय रखोगे
उतना फल मिले। तीन प्रकार का जप होता है, उपांश, मानसिक और अजपा। तीन प्रकार का जप होता है। उपांश वो होता है जिसमें होठ हिलते रहते हैं और फुसफुसाहट होती है, वो उपांश जप। दूसरा नहीं नहीं सकता, स्वयं होठ हिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज निकल रही है, उपांश जप। मानसिक मन में ध्यान होता है और अजपा बिना ही जपे सांसों में हुआ करता है, वो अजपा। यही जप सबसे श्रेष्ठ है। कहा यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो भक्तों, गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र पढ़कर के उन्होंने ऐसे जल जल फेंका तो प्रेत प्रेत बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और प्रेत बोला, अहम अहम राधा तदीयोऽस्मि, धुन्धकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मैंने पाप कर्म के द्वारा अपना ब्राह्मण नष्ट कर डाला। मेरे पाप की कोई संख्या नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। विष्याओं ने हमें बहुत ही पशु की भांति मारा है, मैं प्रेत प्रेम को प्राप्त हुआ हूं। महाराज कर्ण बोले, भैया हे भ्राता धुन्धकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया जी जाकर के पिंड दान किया, तो दर्थे तू गया पिंडम भया दत्तम विधानतः। मैंने तुम्हारे लिए गया जी में विधि पूर्वक विधान पूर्वक पिंड दान दान किए थे और फिर भी नहीं तुम तरे। धुन्धकारी बोला, गया श्राद्ध शते नमे मुक्तिर भविष्यति। आप चाहे सौ बार गया जाओ, सौ बार गया श्राद्ध करो, लेकिन मेरी मुक्ति गया जाने से नहीं हो। गया में सामर्थ्य नहीं जो मुझे से पाप प्रेत को तार दार। कोई दूसरा उपाय विचार करो। अब गोकर्ण जी सोचने लगे, जब गया जाने से भी नहीं तरा तरा, दूसरा उपाय कहां से लाए। विचार करते रहे रात्रि भर, कोई विचार कोई उपाय नहीं जा। प्रातःकाल विद्वान ज्ञानी से संतों से पूछा, सभी ने कहा, भाई गया जाने से ही पितरों का मोक्ष होता रहा है, अब दूसरा उपाय हम जानते नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को जल दिया। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तेजोस् तेजं मध्ये, बलमस् बलं मध्ये, ओजोस् ओजं मध्ये। सूर्य प्रत्यक्ष देवता, सूर्य को जल देने से, सूर्य को जल देने से साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी संसार में कुतर्क भी बहुत होते हैं, बड़े कुतर्क बहुत बहुत बातें करते करते बोले, गंगा जी में एक पंडित जी सूर्य को जल दे रहे थे, तो कबीर जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, सूर्य को जल दे रहे। तो कबीर भी देने लगे जल, बोले तुम कहां दे रहे हो, बोले ब्रह्मचर्य सीख रहे हैं। बोले यहां के जल से क्या ब्रह्मचर्य सीख जाएगा, बोले तो यहां जल देने से क्या सूर्य को मिल जाएगा, कैसे कुतर्क वहां भाव जुड़ा हुआ है सूर्य से सीधे, वो भाव जगत जगत सूर्य को प्राप्त हो रहा है। ये अज्ञानी लोग इस प्रकार के कुतर्क करके सनातन धर्म के सिद्धांतों को खंडन करना चाहते हैं, ऐसे दुर्बुद्धि। कहते हैं शक्कर शक्कर कहने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा, राम राम कहने से क्या मिल जाएगा। शक्कर और राम नाम कितनी शक्कर नाशवान पदार्थ है, राम कहने से साक्षात ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये तभी कभी कहे हैं जो हमारी वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति है, यही सर्वश्रेष्ठ। अन्य विद्वान अन्य संत हमारे ही सनातन धर्म से निकल कल कर उन्होंने अपना नया मार्ग बनाया। कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ सनातन धर्म का खंडन करने वाली हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना कभी। प्यारे,
जो हमारा सनातन धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग मार्ग क्योंकि वेद है वैदिक मार्ग मार्ग और वेद भगवान के मुख से निकले। तो महाराज सूर्य नारायण को जल दिया, ओ मेरी शास्त्रांग सुर तेजोरा से जगत पते अनुकंपा मान मान दिया ज्ञान अर्जन दिवा करो। सूर्य भगवान ओम विश्वानि देव सवितर दुर्दानि प्रासु यद यद रंद्रन नासु विश्व के देवता सूर्य मेरे पापों को दूर करके मेरे पुण्यों को प्रकट करो, सद्गुणों को मेरे भीतर स्थापित करो। यद यद रंद्रन नासु जो कल्याणकारी तत्व है वह मेरे प्रवेश करा। सूर्य नारायण प्रकट हो गए और बोले गोकर्ण क्या चाहते हैं? बोले हमारा भाई भयंकरी प्रेत हो गया, कैसे करेगा महाराज? सूर्य भगवान बोले देखिए सूर्य भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान ध्यान सुनो। श्री मद्भागवतानां सप्तां वाचनं कुरु। श्री मद्भागवत महामहान के श्रवण से प्रेत प्रेत मुक्ति हो जाएगी। सप्तां वाचनं कुरु, सप्ताह भागवत कथा थोड़ी थोड़ी सुनो, कथा वाचो सात दिन वाचन करो। अब सूर्य भगवान की आज्ञा मान करके गोकर्ण ने कथा पांडाल की रचना कराई, व्यासपीठ का निर्माण हुआ। देखिए सूर्य नारायण अनुमोदन कर रहे हैं भागवत कथा का। सूर्य के भीतर जो काला प्रातःकाल देखो कि काला काली का जो है वो वही भगवान है। सूर्य मंडल के भीतर आदित्य के भीतर जो प्रकाश जो काला काला है वो परमात्मा का है। सूर्य मंडल सूर्य भगवान ने कहा भागवत कथा कराओ, भागवत कहो, इससे मोक्ष हो जाएगा प्रेत का। भागवत व्यासपीठ पर स्वयं गोकर्ण जी विराजमान हैं और बहुत संतों का समागम, भक्तों का समागम, जिज्ञासु श्रोता भगवान की भक्ति पाने के लिए श्रोता, भगवत धाम पाने के लिए श्रोता आकर बैठ गए शास्त्रों की संख्या में। अरे प्रेत भी अपना स्थान ढूंढता हुआ आया, वायु का रूप है, कहां बैठे थे? तो एक सात गांठ का मोटा पोला बांस, छड़ी न गाड़ा करो को मोटा पोला बांस, छड़ी गांठ की छड़ी में हवा जा नहीं सही सकती, इसलिए मोटा पोला बांस। तो उसमें हवा भरने का स्थान है जो वायु के रूप में उसी मोटे पोले बांस में बैठ गए। अब महाराज गोकर्ण जी ने पहले दिन की कथा कही तो बांस की पहली गांठ चटक गई। द्वितीय दिवस की कथा जब समाप्त हुई तो दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ, इस प्रकार सातवें दिन में सब सब ग्रंथ विभेदनम सातों गांठें चटक गई। और धुंधकारी देवता दिव्य रूप धरो धरो जाता तुलसी दाम मणिता पीतवा साधनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। धुंधकारी देवता हो दिव्य रूप धरो जाता, उसका स्वरूप दिव्य हो गया, अलौकिक हो गया। तुलसी दाम मणिता तुलसी मालाओं से सुशोभित हो गया, पीतांबर धारण धारण कर लिए, घनश्याम वर्षा काल का रंग जैसा श्याम, मुकुटी कुंडल अलंकृता मुकुट और कुंडल से सुशोभित, केयूर बंधनों से समलंकृत, बहुत सुशोभित देवता बना और भागवत की परिक्रमा की। धन्या भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोत तथा धन्य कृष्ण लोक फल फल दाता। यह भागवत की कथा धन्य है जो भगवान कृष्ण का धाम देने वाली, सप्ताह महापुराण धन्य है जो भगवान कृष्ण का धाम देने वाला।
ये सात आठ का पुला बांस टक गया, दिव्यता प्राप्त हो गई। अध्यात्म में मनुष्य का शरीर ही सात आठ का पुला बांस है, इसमें सात गांठ हैं। वो सात गांठ हैं नाभि के नीचे, गांठ है चक्र की, मूलाधार नाभि में कुंडलिनी, मूलाधार कुंडलिनी मणिपूरक अनाहत स्वाधिष्ठान विशुद्ध आज्ञा चक्र और सहस्रार, सात आठ गांठ हैं। जो योगाभ्यास के द्वारा प्राणायाम के द्वारा सतत साधना से योगी लोग चक्र भेद करते हैं, भागवत सत्ता साधा सुनने वालों के चक्र स्वयं खुल जाते हैं, स्वयं जो मनुष्य योग साधना अणिमा महिमा लगना गरिमा प्राप्त प्राकाम निश्चित वशो सिद्धियों को पाने के लिए बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करके योग सिद्धि करते हैं, राम नाम जपने वाले को स्वयं ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। साधक नाम जपत लय लाए, होए सिद्ध अणिमा दिख पाए, होए सिद्ध नाम जप ही उन्हें सिद्धि दे देता है। ये भक्त के पास सुलभ है। एक गांठ अविद्या की है, माया की ग्रंथि है, जो सहज में नहीं छूटती, ये भागवत से छूट जाती है, जड़ चेतन नहीं, ग्रंथि बनी गई। यद्यपि मृखा छूटत कठिन नहीं, ये भागवत सुनने से ग्रंथि छूट जाती है, अविद्या की ग्रंथि। धुंधकारी देवता होता है और बोला प्यारे प्रातः काल का जो खाते हो शाम तक वो नष्ट हो जाता है, उसी रस से बना हुआ शरीर भी नाशवान है, इसलिए भजन करो। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदी रस संस्पृष्टे कायकानां नित्यता। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नं यत् अन्नं प्रातः संस्कृतम भुक्तम, प्रातः काल जो अन्न खाया सायं तच्च विनश्यति, शाम तक शरीर में ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दूसरे रूप में पहुंच जाता है। तदी रस संस्पृष्टे उसी अन्न के रस से बना ये शरीर है। जब अन्न नाशवान है तो शरीर भी तो नाशवान है, काय का नाम नित्यता कि नश्वर है, इसलिए इस नश्वर शरीर से भजन करो। भजन का साधन है, भजन के लिए मिला है शरीर। सौ शरीर है लेकिन जब भक्ति होगी तो शिव हो जाए, शरीरम शिव मंदिरम। और जो भजन नहीं करते वो सब ही हट जाते हैं उनसे। जिन हरि भगत हृदय नहीं नानी जीवित तो सब समान थे प्राण। तो गोकर्ण जी के सामने वंदना की, उसी समय सुंदर विमान आया और भगवान के पार्षदों ने कहा गण गण आए हैं नंद सुनंदन, आप चलिए महाराज बैठिए विमान पर, हे देवता हे धुंधकारी चलिए वैकुंठ चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे अब भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम भागवत सुनिए ना, देवता हो गए। धुंधकारी ने सबको प्रणाम किया और विमान में बैठ गए। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने कहा हे भगवान के गणों मेरे हृदय में एक शंका है, इसका समाधान आप दिए जाओ। बोले क्या शंका? आचार्य जी आप क्या शंका? बोले महाराज ये शंका है, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनन्दानि मानानि न तेषां पत्पतः। अत्रैव बहवः मम श्रोताराः सन्ति निर्मलाः श्रोताराः, यहाँ मेरे मेरे निर्मल श्रोता बैठे, बड़े बड़े बहुत बहुत सात्विक श्रोता, बड़े बड़े ज्ञानी श्रोता, बड़े सदाचारी श्रोता, सत्कर्म करने वाले श्रोता। और इन्होंने बड़े बड़े नियम से साधना भागवत सुनी है श्रोता, आनीतानि मानानि न, इनके लिए विमान नहीं लाए और इस प्रेत के लिए विमान लाए, ये हमारे आश्चर्य का समाधान करें। कथा तो सबने समान मान से सुनी है लेकिन ये सुनने में भेद क्यों हो गया? तो भगवान गण बोले
श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणम् कृतं सर्वैः परमनमनम् कृतं कथा सुनने में ही भेद हो गया है। कथा सुनी तो सबने है लेकिन मन से नहीं सुनी, मनन भी नहीं किया। कथा में बैठे थोड़ी देर मन कथा में लगा, फिर इधर उधर लगा, उन्हें जाने कहां कहां मन चला गया। मन ही मनुष्य कारण बंद मोक्ष हो, मन ही मनुष्य की बंधन मुक्ति का कारण है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले मन मनी तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। सब द्वंद दिल से दूर कर निर्द्वंद हो के रहे, सब कलर दिल से दूर निर्द्वंद हो के रहे। मन का भाव मेट ले बस हो गया भजन, मन का भाव मेट ले बस हो गया भजन।